হ্যালো মা দর্লক নরকনো লমসগ নিকলোর একটা 2020 ইউটিউব চ্যানেল ও আর যো লোক ত্রিপুরা সে নই হ্যাঁ আপকা স্বাগত হ্যাঁ মেরে চ্যানেল পে নিকলোর একটা 2020 পে আর আজকা যো সঙ্গ হ্যাঁ ও এক অকবরক ভিডিও হ্যাঁ কলমো কুডি কলমা প্রোডাকশন এ এক ইউটিউব চ্যানেল হ্যাঁ তো এ সঙ্গ অরিজিনালি ওহাঁ পর হ্যাঁ আর আপ চাহো তো ওহাঁ পর ভি যাকে সঙ্গ কো দেখ দেখ সকতে হো আর ইয়ে সঙ্গ কাফি পুরানা ইয়ে 4 সাল পহলে আয়া থা 2016 মে 2 জানুয়ারি 2016 में ये सॉन्ग आया था और इस सॉन्ग की रिकमेंडेशन मुझे 2-3 बार आ गई है। मुझे यह याद नहीं कि वो एक ही बंदे ने की है कि 2-3 अलग बंदों ने की है। ओके और मुझे जो है इंस्टा पे भी आई थी तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि भाई इतनी रिक्वेस्ट आ रही है तो देखते हैं कैसा है सॉन्ग। और ये उस कमेंट सेक्शन में बोला था कि ये सॉन्ग जो है थोड़ा क्लासिकल है और जो है क्लासिकल है और वो बैंड टाइप का है। अब देखते हैं बाकी सुनते हैं कैसा है सॉन्ग। पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ में मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका नाम है मनी एक्सपेक्टेशन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वहाँ पर आपको जो है मनी वो रिलेटेड और जॉब रिलेटेड या फिर जॉब वैकेंसीज के रिलेटेड जो है वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है ठीक है। अब मैं उस पर वीकली बेसिस पे या फिर हर 2-3 दिन में जो भी नई वैकेंसीज आती हैं मैं उस पर अपडेट जो है करता वो रहता हूँ। तो आपको अगर आपने आपको अपडेटेड रखना है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो और फिर करेंगे अपनी बातें। फेदी वीडियो चिंगल सिन्हा है। जदों ने सुनी भाई कोलोमा भाई ना बॉब मार्ले की तरह मतलब इनकी जो है लुक है। बॉब मार्ले के भी जो है ऐसी थे ना बाल और लुक काफी जो मतलब एक जैसी लगी मुझे। तो बैंड वो जादू ने सुमोय खनाओय खबंग बेरायो बोलंग नांगे बुसाकबाय थांगो कागय पुचुखाय थांगो बीरय तासुक दिने ने सुमोय खाने चुमुई नरे खारे खपंग थांगो कबाने किफिल नाए बुफुरो आते येंगे मलिया आसावे। बढ़िया है यार, काश बेटर लोग पाली निरीशा तागमनी तागई ताक राय करे रिशा फांचले सायरुं खुब मूल तागनां करो आने तासुब दिने नी सुमोई हातल कखरा बाहें नो तुबोई लगी माजी लता ने बहाई सा पूले आ
नानो हातलो तिलंगना बागे आने लगी संकरे तसुब देने ने सुमोए जादू ने सुमोई खरांख नावोई जलाने की अगभुम्पोई बहनारे असारे खले ना लगी करे तसुब देने ने सुमोई तसुब देने ने एंड में ये फ्लूट ने तो भाई साहब कमाल कर दिया। ग्रेट वर्क है, ग्रेट वर्क लिटरली। और इतना जो है पुराना सॉन्ग था, 4 साल पुराना, फिर भी व्यूज़ ज़्यादा नहीं थे इसको, मतलब 3 लाख थे, 3 लाख जो है 4 साल में। आप लोग क्या कर रहे हो यार भाई, जाओ, इतना बढ़िया सॉन्ग है, व्यूज़ बढ़ाओ उनके, सपोर्ट देम। और काश इसके सबटाइटल होते यार, मुझे इसके मीनिंग जो है वो जानने हैं। और वैसे इस पूरी थीम को देख के ना इतना तो समझ में आ गया कि ये जो सॉन्ग है ये मतलब इसके जो लिरिक्स हैं वो जो है ओल्ड टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो मतलब उसको ही दिखा रहे थे कि जो है पुराने ज़माने में क्या होता था शायद, क्योंकि पूरा जो है वीडियो थी वो ब्लैक एंड वाइट में थी और ऊपर से क्लासिकल ये सॉन्ग है विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स, वो जो था ना बैडमिंटन वगैरह। तो मेरे ख्याल से इसके जो लिरिक्स होंगे वो जो है मतलब कुछ वैसे होंगे जो पुराने टाइम में जो भी चीज़ें होती थी शायद उनको ये डिस्क्राइब कर रहे हों। आप बताना कि इसके मतलब मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, और प्लीज़ अगर कहीं से इसका लिरिक्स वगैरह मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में जो है वो शेयर कर देना। मैं जानना चाहूँगा कि इस सॉन्ग में क्या क्या बोला और क्या मतलब थे उनके। बाकी वो जो बंदा वो गा रहा था ना भाई साहब, बहुत टैलेंटेड है वो सही में। और लुक जैसे मैंने बोला कि बॉब मारने वाली वो लुक है, और एक ना अमेरिकन वो बैंड है, पूरा बैंड ना जो है मतलब वो कुछ कुछ जो है वैसा लग रहा था, वो 1980s का बैंड था, पता नहीं क्या नाम था उसका, बहुत फेमस बैंड था वो, पता नहीं क्या नाम था, मुझे वो याद नहीं आ रहा। बाकी बहुत बढ़िया था, और म्यूज़िक एंड कंपोजिशन जो है कलोमा ने किया है। ओके, ये कलोमा वही बंदा था जो गा रहा था या फिर जो है क्या था। बाकी लिरिक्स जो थे वो अनीता देवर्मा ने, और वोकल्स एंड फ्लूट रोमियो देवर्मा। ओके, तो जो बंदा गा रहा था उसका नाम रोमियो देवर्मा है, और म्यूज़िक एंड कंपोजिशन कलोमा ने किया है, वो आई थिंक इस चैनल का जो है मतलब ऑनर होंगे। गिटार जो था वो रोनल देवर्मा ने किया है, गिटार वाला भी जो है बहुत टैलेंटेड था। बाकी और गिटार जो था भास्कर जे देवर्मा, और बाकी सारे इसमें जो लोग थे, बहुत बढ़िया सॉन्ग, बहुत सही था। और जिसने भी मुझे रिकमेंड किया था, थैंक यू मुझे ये सॉन्ग रिप्रेजेंट करने के लिए। मुझे ना मालूम पड़ा कि त्रिपुरा का जो है क्लासिकल म्यूज़िक भी जो है बहुत सही है, आजकल का नहीं, क्लासिकल म्यूज़िक भी बहुत सही है, आजकल तो होते ही हैं, पर अब तो मैं और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ भाई, ताकि मैं ठीक से इन सभी सॉन्ग्स के मतलब समझ पाऊँ। इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से ट्राई भी कर रहा हूँ कि मैं सीख जाऊँ।
पर विदाउट ग्रामर है, ऊपर से मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ नॉर्थ इंडियन और नॉर्थ ईस्ट की एसेंट में बहुत फ़र्क है। हमारे बोलने का तरीका थोड़ा सा जो है अलग होता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर कोई नहीं, कभी ना कभी तो सीख ही जाएंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। हम बाय फॉर वॉचिंग।